आईफोन 15 आ रहा है, लोग लाइन लगाएंगे दुकानों के सामने। लाहौर हमारी जमीन है भैया, हमारे यहाँ एक्टर जाके वहाँ नल उखाड़ आया था। चाइना में दाढ़ी नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते, साहब मंदिर मस्जिद तोड़ डाली चाइना ने। टैलेंट से ही तो प्यार होता है, कोई रिलीजन की बात नहीं करेगा। बाहर अगर दिखाई पड़े सड़क पे तो रोलर चलेगा। मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस, फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मदर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, रेनेसांस, फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज किसी दुनिया की देश की ताकत किस पर डिपेंड करती है? उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे। दुनिया में सबसे पावरफुल कौन? एप्पल। एप्पल को चैलेंज कौन कर रहा है? वन प्लस, चाइना। देखो लोग एप्पल खरीदने जाते हैं, कोई कहता भैया फोन दिखा दो देख ले पहले, देखना होगा नहीं। आईफोन 15 आ रहा है, लोग लाइन लगाएंगे दुकानों के सामने। 2 लाख रुपए का फोन, जैसा चाहो वैसी फोटो निकाल दे, आंख काली बना दे, चेहरा लाल कर, जो कहो। क्या प्रोडक्ट बना रखा है, जो नहीं खरीद पा रहे हैं वो वन प्लस खरीदते हैं, कहते हैं वही सारे फीचर्स तो हैं। ये देसी एक्टर है, ये हॉलीवुड का एक्टर है, फर्क है। मेल गिब्सन, ये रीजनल एक्टर है, छोटी मोटी फिल्मों में काम करता है। फिर लावा, इसको लोग पलट उलट के देखते रहते हैं, कलर नहीं अच्छा लग रहा है, पर पैसा नहीं है ना तुम्हारे पास तो लेना तो पड़ेगा। पाकिस्तान के पास लावा बॉम्ब, एप्पल खरीद के थोड़ी बॉम्ब बनाएंगे। IMF लोन देने से मना कर देगा कि तुमको इतना बेल आउट प्लान देते हैं, तुम एप्पल खरीद के बॉम्ब बनाते हो, तो ये लावा बॉम्ब बनाते हैं 3-4 हजार में सेकेंड हैंड खरीद के। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिस दिन ये लावा ऑरेंज बन जाएगा और एप्पल को टक्कर देगा उस दिन इंडिया सुपर पावर हो जाएगी। यहां तुमने कर कह दिया, क्लास में पूछ लिया टीचर से कि मोहम्मद साहब सही में पैगंबर थे, अरे बोरे ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी, बाहर निकालो उसको, फांसी भी लटकाओ, लटका दिया। धर्म के खिलाफ बोला नालायक, पैगंबर पे सवाल कर रहा है। यहां तुमने पूछ लिया कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते, एंटी नेशनल, मंदिर बनाओ चारों तरफ, कोई अपोजिशन नहीं, नहीं बाबू बनाइए। ये ना कोई रिलीजन की बात करेगा, इतना डंडा मारेंगे ना, कोई रिलीजन की बात नहीं करेगा। कौन मुसलमान है, बोले कोई नहीं है। चाइना में दाढ़ी नहीं रख सकते, तिलक नहीं लगा सकते, तिलक लगा दो यहीं सटा के गोली मारे तुरंत कि अंदर तक ले जाओ, अंदर तक पूरा फील करो, अंदर तिलक यहां तक जाए मेडुला तक। ये देखो इनको पता था अमेरिका हमारी कंट्री में डिस्टरबेंस फैलाएगा, हम ग्रोथ करेंगे, ये कास्ट बेसिस दंगे करवाएगा, कम्युनल बेसिस दंगे करवाएगा। साहब मंदिर मस्जिद तोड़ डाली चाइना ने। नमाज पढ़ना है घर में पढ़ो, घर में, बाहर अगर दिखाई पड़े सड़क पे तो रोलर चलेगा। नहीं नहीं हम ये सलीमू आया था, कोई निकलता ही नहीं हुआ। यहां यहां कुछ भी पूछो, कुछ भी, कि जीसस वॉज नॉट अ क्राइस्ट, वेरी गुड, वाओ, नोबेल प्राइज दे दिया। वो रिलीजन रिलीजन, वो तुम्हारा टैलेंट देखते हैं। तूने कहा साहब एक ऐसी चिप बना दूंगा, यहां आप लगा लो फिंगर में, पूरा सोलर सिस्टम दिखाई पड़ेगा। अरे बोले आओ यार, आओ मेरी कंट्री में आओ, ब्रेन ड्रेन।
हम पहली बार अमेरिका का वीजा मांगे, दिए ही नहीं, सब देते ही नहीं किसी को, अमेरिकन वीजा ही नहीं देते, और हमसे वैसे भी पाकिस्तान की मोहर लगी पासपोर्ट में। वाई यू वेंट टू पाकिस्तान? मैंने कहा जी जमीन खरीदने गए थे। जमीन? वहां क्यों जमीन खरीदोगे? मैंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दे विल नॉट अलाउ यू। दे विल अलाउ। व्हाई दे विल अलाउ? इट्स माई कंट्री, इट विल बी इंटीग्रेटेड, इट्स माई लैंड, इंडियाज लैंड। हाउ फुलिशली यू आर टॉकिंग, फुलिश, हाउ कैन यू से दिस? हमारी जमीन है। ओ यू आर टॉकिंग रबिश। तुम क्या चाहते हो? तुम जो आंसर सुनना चाहते हो वो बताएं। वो हमारी जमीन है भैया, लाहौर हमारे है। एक्टर जाके वहां नल उखाड़ आया था। वो पुलिस वालों को बुलाए, टेक हिम आउट, अननेसेसरी टॉकिंग। मैंने कहा अजीब आदमी यार, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रहा, मेरा जवाब सुनो। पुलिस वालों ने कहा क्या बात है भाई साहब, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? मैंने कहा बदतमीजी, मैंने इसे कहा पाकिस्तान हमारा है, मना कर रहा है। पुलिस वालों का एक दो गाली और दे दो। मैंने कहा फिर मैंने उनको अमेरिकन हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 1787 से 1945 तक, डायग्राम वाइग्राम बना के दिया। ओ बोले वेरी गुड, इट्स अप्रिशिएबल, यू कम टू अमेरिका? अरे मैंने कहा जी बाबू जी, तुरंत वीजा दिया। आओ वहां जाति वात नहीं पूछते, कोलंबिया ही तो पहुंचे डॉक्टर अम्बेडकर। वहां किसी ने उनके साथ मना नहीं किया कि तुम्हारे साथ खेलेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, ये पागल हिंदुस्तानी। तभी तो भिखमंगे हैं, अभी इस वीडियो को मेरी निकालेंगे। एंटी इंडिया, एंटी इंडिया, ये देखो एंटी इंडिया, एंटी इंडिया। जाके अमेरिका में भीख मांगते रहते हो दिन भर बैठ के, देखो कितनी इज्जत दिया उन्होंने टैलेंट को। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो आदमी पढ़ा, पीएचडी किया, तो उन्होंने डीएससी भी करवाई, डॉक्टर ऑफ साइंस। बोले और पढ़ो, और तो बहुत पढ़ने तेज हो यार, और पढ़ो। यहां बेचारों को पढ़ने ही नहीं दे रहे थे। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में संस्कृत पढ़ने ही नहीं दिया, कहा ओ अनटचेबल। तो पर्शियन पढ़ा वो आदमी, उसमें सबसे ज्यादा नंबर। ये सब तुमको बताया ही नहीं गया, ये तो तुमको भी अंबेडकर से प्यार हो जाए, तुम किसी भी कास्ट के हो। टैलेंट से ही तो प्यार होता है, नहीं? वहां अमेरिका गए हम भी, वहां कोई किसी से बात ही ना करे, अब हमको और परेशान, कोई बात ही नहीं कर रहा किसी से। तब हमने एक नई ट्रिक निकाली, बैग लटकाए, डायरी ली, फिर अमेरिकन से इंटरव्यू लेना शुरू किया। मैंने कहा माय इंडियन स्कॉलर रिसर्च रिसर्चिंग योर कंट्री। ओह वेरी गुड, यस आस्क। मैंने पूछा यू आर डिसेंट, कहाँ से आए थे? आवर एंसेस्टर्स स्पेन। स्पेन साउथ अमेरिका? ओ व्हाट यू आर टॉकिंग, सी यूरोपियन कंट्री। अच्छा यूरोपियन, यू आर टू वीक। मैं बोला यू आर वीक? मैंने कहा टू, हाँ यस टू वीक। मैंने कहा यार इनकी लड़कियों औरतों से भी बात करना है। मैंने कहा द हाईएस्ट विजडम इन द वर्ल्ड इज ऑफ अमेरिकन वुमेन। ओ या, फिर उनसे भी बात की। जब वापस आ रहे थे तो डायरी का क्या करते, तो एयरपोर्ट के ऑफिसर को ले रख ले। व्हाट इज दिस? मेरे गुड, योर कंट्री गुड। ओ यस यस, किसी से सीखना ही तो है। ये देखो ये नाक में इतनी ऊंचाई पे नहीं पहुंचे। एजुकेशन पॉलिसी देखो इनकी, ये तुमको मजाक चुटकुले नहीं सुना रहा था, एविडेंस दे रहा था। देखो इनकी एजुकेशन पॉलिसी, अगर तुम्हें अपनी कंट्री को अमेरिका जैसा बनाना है तो तुम्हें अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा, सबको मौका देना होगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो व्हाट इज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री? इट्स अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड ऑर्डर टू हु ट्रांसफॉर्म्ड, रेनेसांस एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ऐसे पढ़ा जाता है।